नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट पर। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि हम पेआउट कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि जोमेटो पे हमारा पेआउट आता है तो हमें हर थर्सडे को आता होगा। मोस्टली लोगों को पता है कि हर थर्सडे को जोमेटो को पेआउट आता है। जो लास्ट मंडे से संडे तक का जो पेआउट होता है वो इस थर्सडे के दिन आता है। बट हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमने सेल की है उसी एग्जैक्ट अमाउंट का डिडक्शन हुआ है या नहीं? कभी कभी डिडक्शन का कुछ फॉल आउट हो जाता है जिसके कारण से पे आउट कम आता है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पे आउट कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप का ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने मेरा ब्राउजर ओपन करा है तो अभी मैंने zomato.com खोल रखा है जिस पे हम ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसी पे अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना है। जैसे मैंने अपनी आईडी से यहाँ लॉगिन करके रखा है, इसे आपको भी यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। क्योंकि लॉगिन करने से क्या होता है कि हमें एक्सेस मिलता है बाकी जोमेटो के पार्टनर्स ऐप को ओपन करने का। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है, ये मेरा आउटलेट है। अब मुझे इसका पे आउट चेक करना है, तो इसके लिए मुझे गूगल पे जाना होगा, ये सर्च करना है जोमेटो। डैशबोर्ड हम ओपन करेंगे। अगर हमने जोमेटो पे ऑर्डर वाले पेज पे अगर हम लॉगिन करके रखा तो दिखा रहे यहाँ पे मुझे लॉगिन करा हुआ, तो मेरा नाम आ गया इस पर, मेरे आउटलेट का ही एक्सेस भी मिलेगा। मैंने क्लिक किया डैशबोर्ड पे, देखा डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आउटलेट के लिए। उसी में से एक है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, हम इसे ओपन कर लेंगे। इसे थोड़ा नीचे से नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको दिखेगा पे आउट कौन से टाइम का क्या पे आउट। जैसे कि यहाँ अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस टाइम का अभी कोई रेवेन्यू नहीं, बट मैं आपको मेरा कोर रेवेन्यू दिखाता हूँ। जब भी हमें पे आउट चेक करना है तो हम ट्राई करें कि हम पे आउट मंडे से संडे का चेक करें। मंडे से संडे का चेक करने से क्या होता है, इसे हमें पता लग जाता है कि एक वीक का पे आउट है। जो हमें ये भी पता रहता है कि हमारे थर्सडे के दिन हमारे पास अकाउंट में आ जाता है कि इतना अमाउंट हमारे पास आया है, तो हम उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट आया है या लास्ट वीक की हमारी सेल इतनी थी तो इतना कम और ज़्यादा कैसे आया। जैसे कि मैं अभी अपना अमाउंट चेक करने गया, जैसे December 28 को मैंने अपना सेलेक्ट करा कि December 28 से, तो ये मंडे था तो इसका जनवरी 3 को इसका संडे होगा। अब मैं यहाँ फिल्टर करके इसका अमाउंट चेक कर रहा हूँ, तो इसमें बताया है कि मेरा 17,000 की सेल हुई थी जिसमें से 7,000 का डिडक्शन हुआ है एंड मुझे 10,000 कुछ रुपीस मिले हैं। तो अब मुझे कैसे पता है कि अमाउंट किस तरीके से कटा है, इसका पे आउट क्या क्या कटा है? क्योंकि 25% के हिसाब से इतना अमाउंट नहीं कटना चाहिए। तो लेट्स चेक, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करा था, यह है व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हमें ओपन होगा कि हमारा पे आउट कहाँ कहाँ कितना कितना कटा है। जैसे हमारी कमीशन बोले तो 25% के हिसाब से 3,800 रुपये कुछ कटा है। टैक्स एंड कमीशन जो GST वगैरह जो हमारे से लेता है जोमेटो, उसका 688 रुपीज़ कटा है। कन्वीनियंस फी, मतलब हम उनका जो डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उस सब चीज़ों के जो प्रोसेस का एक चार्ज होता है वो हमसे जो लेता है वो होता है 377 रुपीज़। बट अभी आपने देखा होगा कि मेरे इसमें 2,000 एक्स्ट्रा कटे जो है एड्स के, लाइक मैंने पेड एड लिए हुए जिसके कारण मुझे इसका पे आउट देना पड़ता है, तो 2,100 रुपये कुछ कटे हैं मेरे एड्स के। तो टोटल ऐसे मिला कि ये मेरा 7,000 कुछ रुपीज़ कटा है। मोस्टली क्या होता है, हम लोग कभी ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो ऑर्डर कैंसिलेशन की कुछ चार्ज वगैरह हमसे काट का है वो यहाँ पे लिखे हुए आते हैं। टोटल पे आउट है जो हमारा कट हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट है जो हमें रिसीव हुआ है। ऐसे आप सारे वीक के चेक कर सकते हैं कि कब कितना पे आउट हुआ है, क्या हुआ है। इसमें डिटेल नीचे भी मिल जाएगी, आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए आपको, अगर अपने आपको पता है कि कौन सा ऑर्डर कितने रुपए का आपने दिया है, उसमें ये भी दिख जाता है कि ये ऑर्डर कौन सा था, नीचे कितने का आपने ऑर्डर निकाला है, कितने का उसमें अपने को मिलेगा। जैसे 283 का एक ऑर्डर पेड कस्टमर ने पे करा है, पर कट के हमें 203 रुपीज़ मिलेगा।
जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। ऐसे सारे ऑर्डर्स का भी नीचे चेक कर सकते हैं, यानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं।